हाय, इससे पहले हमने सारे जो रूल्स हैं रूल 82 तक ऑर्डर 21 के कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम आगे के जो रूल्स हैं रूल 81 से आगे के रूल्स रूल 82 से, जिसके अंदर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके रिगार्डिंग हमने रूल्स समझे थे कि किस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है। अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है तो किस तरीके से सेल किया जाता है, या फिर अगर कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको किस तरीके से सेल किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जितने रूल्स है वो हम समझ चुके हैं, उसको देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है, कि अचल संपत्ति को किस तरीके से बेचा जाता है। तो रूल 82 जो है, सबसे पहला जो रूल है इसका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो बताता है, वह कहता है कि व्हाट कोर्ट मे ऑर्डर सेल्स, कि क्या कोर्ट ऑर्डर कर सकता है सेल के लिए। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री मे बी ऑर्डर्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के ऑर्डर कर सकता है। तो मतलब कि ये बात बता रही है कि जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सके, वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, और बाकी सारे जो कोर्ट्स होते हैं वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। अब बात है रूल 83 के ऊपर, जिसके अंदर बताया गया कि पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल टू एनेबल जजमेंट डेटर टू रेज अमाउंट ऑफ डिक्री, कि जो सेल करनी है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की उसको पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि जो डिक्री हो जो जजमेंट डेटर है वो अमाउंट अरेंज कर सके जो कि उसको डिक्री होल्डर को पे करना है। तो इसके अंदर क्या लिखता है, वेयर एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड, कि जहां पे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, इफ द जजमेंट डेटर कैन सेटिस्फाई द कोर्ट, लेकिन जो जजमेंट डेटर है वो अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर सकता है कि दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ द डिक्री मे बी रेज, कि जो डिक्री का अमाउंट है जो कि उसने जजमेंट डेटर ने डिक्री होल्डर को पे करना है वो किस तरीके से रेज किया जा सकता है, बाय रेज बाय द मोर्टगेज और लीज और प्राइवेट सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, की वो जो प्रॉपर्टी है जिसको बेचा जा रहा है उसको ना बेचा जाए कोर्ट के द्वारा, उसको वो जो जजमेंट डेटर है वो अपने आप उस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज के ऊपर रख के या फिर लीज के ऊपर रख के या फिर प्राइवेट सेल करके वो अमाउंट अरेंज कर सकता है, और सम पार्ट देयर ऑफ और एनी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, या फिर जजमेंट डेटर के पास कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके साथ वो ऐसा करके डिग्री होल्डर के लिए अमाउंट अरेंज कर सकता है। द कोर्ट में ऑन हिज एप्लीकेशन पोस्टपोन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो कोर्ट जो है उसकी जब ये एप्लीकेशन लगाई जाती है उसके द्वारा कि उसकी जो सेल जो प्रॉपर्टी है उसको सेल ना किया जाए, तो कोर्ट उसकी सेल को पोस्टपोन कर सकता है। प्रॉपर्टी कंप्राइज इन ऑर्डर टू द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन ऑर्डर फॉर द सेल ऑन सच टर्म्स एंड फॉर सच पीरियड थिंक प्रॉपर, तो कोर्ट फिर जब ऐसा पोस्टपोनमेंट करेगा तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएगा और साथ ही साथ एक पीरियड देगा कि इतने पीरियड के अंदर अंदर देखो ये अमाउंट जो है उस डिग्री होल्डर को अरेंज करके पे करना है टू अनेबल हिम टू रेज द अमाउंट। फिर सब रूल 2 बोलता है इन सच केस द कोर्ट शेल ग्रांट अ सर्टिफिकेट टू द जजमेंट डेटर, अगर वो ऐसी पोस्टपोनमेंट करता है तो कोर्ट उस जजमेंट डेटर को सर्टिफिकेट देता है ऑथराइजिंग हिम विद इन अ पीरियड टू बी मेंशन देयरिन, कि जो भी पीरियड उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन किया जाएगा उस पीरियड के अंदर अंदर ते कोई अमाउंट जो है उसका अरेंज करना है, एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 64 टू मेक द प्रपोज मोर्टगेज लीज और सेल, कि वो जो भी प्रॉपर्टी है उसकी उसको मोर्टगेज सेल या लीज कर ले और वो जो अमाउंट है वो डिग्री होल्डर को अरेंज करके पे कर दे। प्रोवाइडेड दैट ऑल द मनी पेबल अंडर सच मोर्टगेज लीज और सेल शैल बी पेड, तो जो भी अब जो भी जब वो मोर्टगेज सेल या लीज करेगा उस प्रॉपर्टी का, तो जो भी उसमें से अमाउंट आएगा वो अमाउंट जजमेंट डेटर को नहीं मिलेगा, वो अमाउंट किसको रिलीज होगा, डिग्री होल्डर को मिलेगा, बट सेव इन फॉर द डिग्री होल्डर एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच मनी अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 72 इनटू कोर्ट, तो उसको सेट ऑफ किया जाएगा डिग्री होल्डर को जो अमाउंट पे करना है उससे रूल 72 को ध्यान में रखते हुए। प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो द नो मोर्टगेज लीज और सेल अंडर दिस रूल शैल बिकम एब्सोल्यूट अंटिल इट हैज बीन कंफर्म बाय द कोर्ट, कि जो सेल मोर्टगेज या फिर लीज की गई है वो एब्सोल्यूट नहीं हो जाएगी जब तक कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देता। यही जो हमने मूवेबल प्रॉपर्टी का केस पढ़ा था, तो वहां पे जैसे ही अमाउंट मिलता है उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पे, वैसे ही जो पर्सन परचेजर होता है उसका उसके अंदर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होता। जब तक कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करती कि आपका इसके अंदर एब्सोल्यूट राइट है, तब तक वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस पर्सन को नहीं मिलता जिसने वो प्रॉपर्टी मोर्टगेज या लीज या सेल पे ली है। नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्टेड टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर द सेल इन एनफोर्समेंट ऑफ अ मोर्टगेज और अ चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर रूल 84 आता है डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसोल रीसेल ऑन डिफॉल्ट, कि जो जिस जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसको जब वो खरीद रहा है उसी वक्त उसको वो अमाउंट डिपॉजिट करना है खरीदते वक्त ही, या फिर 25% अमाउंट सबमिट कर देना है उसका जितना अमाउंट है खरीदने का, और अगर वो नहीं कर पाता तो उस प्रॉपर्टी को तभी रीसेल
कर दिया जाएगा। ऑन एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द पर्सन डिक्लेयर टू बी द परचेजर शैल पे इमीडिएटली आफ्टर सच डिक्लेरेशन अ डिपॉजिट ऑफ 25%, कि वो 25% अमाउंट तभी के तभी पे कर देगा ऑन द अमाउंट ऑफ इज परचेज मनी टू द ऑफिसर और पर्सन कंडक्टिंग द सेल, जो भी पर्सन उसकी सेल कंडक्ट कर रहा है या फिर जो भी ऑफिसर है उसको अमाउंट दे देगा 25%। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच डिपॉजिट, अगर वो नहीं कर पाता ऐसा 25% अमाउंट डिपॉजिट, द प्रॉपर्टी शैल फॉरविद बी रिसोल्ड, तो प्रॉपर्टी को तभी के तभी रिसोल्ड कर दिया जाएगा। वेयर द डिग्री होल्डर इज द परचेजर, जहां पे जो डिग्री होल्डर है वही उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा था उस केस के अंदर, एंड इज एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ द परचेज मनी अंडर रूल 72, जहां पे उसका जो अमाउंट है वो रूल 72 के हिसाब से सेट ऑफ किया जा रहा है। द कोर्ट में डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रूल, तो कोर्ट जो है फिर जो रिक्वायरमेंट है इस रूल की उसको छूट दे सकता है, जो 25% का अमाउंट है उसकी, जो भी इसके अंदर रूल फॉलो हो रहा है उसके अंदर डिस्पेंस कर सकता है, अगर उसको खरीदने वाला कौन है जो डिग्री होल्डर है वो खुद ही उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। तो फिर रूल 85 बोलता है टाइम फॉर पेमेंट इन फुल ऑफ परचेज मनी, द फुल अमाउंट ऑफ द परचेज मनी पेबल शैल बी पेड बाय द परचेजर इनटू द कोर्ट बिफोर द कोर्ट क्लोजेस ऑन 15th डे फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, की 15 दिन से पहले पहले जो उसका पूरा अमाउंट है 25% तभी के तभी दे दिया और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो 15 दिन के अंदर अंदर पे करना होगा उसको कोर्ट के अंदर। Provided that in calculating the amount to be paid into court, the purchaser shall have the advantage of any set off to which he may be entitled under Rule 72. तो जो amount अब उस judgment debtor ने court के अंदर submit करना है, जो purchaser ने submit करना है, वो set off किया जा सकता है Rule 72 के हिसाब से। अगर कोई Rule 72 के हिसाब से कोई amount set off किया गया तो उसकी छूट मिल जाएगी, बाकी जो amount बचा हुआ होगा फिर वो उस purchaser को court के अंदर submit करना होगा। फिर उसके बाद ये रूल 85 के अंदर बताया गया, रूल 85 के बाद हमारा रूल 86 आता है जिसके अंदर बताया गया है प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, कि अगर वो जो पेमेंट है उसको करने के अंदर वो डिफॉल्ट हो जाता है वो नहीं कर पाता तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। इन डिफॉल्ट पेमेंट विद इन द पीरियड मेंशन इन द लास्ट प्रीसीडिंग रूल द डिपॉजिट मे इफ द कोर्ट थिंक्स फिट आफ्टर डिफरिंग द एक्सपेंसिस ऑफ द सेल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, तो जो भी उसके एक्सपेंसिस है उसके बाद जो भी वो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी फॉरफिट हो जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड द प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड, और जो वो प्रॉपर्टी है वो रीसोल्ड हो जाएगी, मतलब जो अमाउंट उसने सबमिट किया था वो फॉरफिट हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी को दोबारा बेचा जाएगा। एंड द डिफॉल्टिंग परचेजर शैल फॉरफिट ऑल क्लेम टू द प्रॉपर्टी और टू एनी पार्ट ऑफ द सम फॉर विच इट मे सब्सिक्वेंटली बी सोल्ड, तो ये बता दिया गया रूल 86 के अंदर। फिर आते हैं रूल 87 के अंदर नोटिफिकेशन ऑन रीसेल, अब जब वो प्रॉपर्टी जब उसको उसको खरीदने के अंदर डिफॉल्ट कर देता है वो अमाउंट पे नहीं कर पाता तो फिर उसके लिए रीसेल की नोटिफिकेशन होती है, एवरी रीसेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द परचेज मनी विद इन द पीरियड अलाउड फॉर सच पेमेंट शैल बी मेड आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश प्रोक्लेमेशन, तो उसके लिए जब वो दोबारा से सेल की जाती है तो उसके लिए दोबारा से प्रोक्लेमेशन करी जाती है इन द मैनर एंड फॉर द पीरियड हियरिंग बिफोर प्रिस्क्राइब फॉर द सेल, तो जितना भी जिस भी तरीके से उसको करना होता है उसी तरीके से प्रोक्लेमेशन की जाती है और जो भी पीरियड बताया जाता है उसके अंदर अंदर वो प्रोक्लेमेशन की जाती है कि इस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। फिर रूल 88 आता है बिड ऑफ को शेयर टू हैव प्रेफरेंस, कि वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज अ शेयर ऑफ अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, की जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड टू और मोर पर्सन ऑफ होम वन इज को शेयर, की जो जजमेंट डेटर था उसके अंदर से वो एक को शेयर था, अब जो पर्सन बिड लगाने आया है वो दूसरा बंदा था जिसका उस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर था, रिस्पेक्टिवली बिड द सेम सम फॉर सच प्रॉपर्टी और फॉर एनी लॉट द बिड शैल बी डीम्ड टू बी बिड ऑफ द को शेयर, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी जो उस प्रॉपर्टी के अंदर को शेयर था तो उसकी वो प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। फिर रूल 89 बोलता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट, अब वो अगर अमाउंट सबमिट कर देता है कोर्ट के अंदर तो फिर जो उसकी एप्लीकेशन थी वो सेट असाइड हो जाएगी। Where immovable property has been sold in execution of a decree, की भाई जो decree की execution के लिए immovable property को बेचा जा रहा है, any person claiming an interest in the property sold at the time of the sale or at the time of making the application or acting for the interest on such person may apply to have the sale set aside on depositing into court, तो वो set aside के लिए application लगा सकता है court के अंदर क्या deposit करके for the payment to the purchaser a sum equal to 5% of the purchase money, कि वो 5% जो है purchase money वो submit कर दे, या फिर फॉर द पेमेंट टू द डिग्री होल्डर द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, या फिर जो डिग्री होल्डर को उतना अमाउंट पे कर दे जो कि प्रोक्लेमेशन के अंदर दिया गया था, एज फॉर द रिकवरी ऑफ विच द सेल वाज ऑर्डर लेस एनी अमाउंट विच मे सिंस द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन फॉर सेल हैव बीन रिसीव्ड बाय द डिग्री होल्डर, और उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा अगर कुछ भी अमाउंट डिग्री होल्डर ने रिसीव कर लिया जिस दिन में प्रोक्लेमेशन इशू हुई है, उससे ऊपर जो अमाउंट पे करना था अगर वो डिपॉजिट कर दिया जाता है जो कि प्रोक्लेमेशन के अंदर लिखा गया था तो फिर ये प्रॉपर्टी जो है वापस मिल जाएगी। Where a person applies under rule 90, अगर कोई व्यक्ति रूल 90 के हिसाब से अप्लाई करता है सेट असाइड के लिए द सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ही शैल नॉट अनलेस ही विथड्रॉज हिज एप्लीकेशन बी एंटाइटल्ड टू मेक और प्रोसिक्यूट एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल, तो फिर
वो इस रूल के हिसाब से नहीं कर सकता, रूल 89 के हिसाब से, नथिंग इन दिस रूल शैल रिलीव द जजमेंट डेटर फ्रॉम एनी लायबिलिटी ही मे बी अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट एंड इंटरेस्ट नॉट कवर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। ये जो रूल है ये उसको इस चीज की छूट नहीं दे देगा कि जो उसने कॉस्ट पे करनी थी या फिर जो उसने इंटरेस्ट पे करना था उसके ऊपर जजमेंट डेटर ने, उसकी छूट उसको इस रूल की वजह से, रूल 89 की वजह से नहीं मिल जाएगी। फिर रूल 90 देखते हैं, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ इररेगुलरिटी और फ्रॉड, की अगर एप्लीकेशन लगाई जा रही है जो सेल है उसको सेट असाइड करने की क्योंकि उसके अंदर कोई इररेगुलरिटी या फ्रॉड किया गया था उसको बेचते वक्त। वेयर एनी इन्वॉल्व प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द डिक्री होल्डर और द परचेजर और एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर्स इन अ रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट और हुज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द सेल मे अप्लाई टू द कोर्ट, की कोई भी व्यक्ति जजमेंट डेटर या परचेजर या जिसका भी इंटरेस्ट उससे इफेक्ट हो रहा है वो कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है कि उस सेल को सेट असाइड कर दिया जाए किस ग्राउंड पे, ऑफ मेटीरियल इररेगुलरिटी और फ्रॉड, कि उसके अंदर कोई मेटीरियल इररेगुलरिटी हुई है या फिर फ्रॉड हुआ है इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट, जो उसके अंदर प्रोक्लेमेशन पब्लिश करनी थी या फिर उस सेल को कंडक्ट करना था उसके अंदर कोई इररेगुलरिटी हुई है, मेटीरियल इररेगुलरिटी हुई है या फिर उसके अंदर कोई फ्रॉड हुआ है। नो सेल शेल बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इररेगुलरिटी, कोई भी सेल जो है वो इररेगुलरिटी या फ्रॉड के ग्राउंड पे सेट असाइड नहीं होगी इन पब्लिशिंग और कंक्लूडिंग इट अनलेस अपॉन फैक्ट्स प्रूव, जब तक कि उन फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर दिया जाता द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट हैज सस्टेन्ड सब्सटेंशियल इंजरी बाय रीजन ऑफ सच इररेगुलरिटी और फ्रॉड, की उस फ्रॉड या उस इररेगुलरिटी की वजह से जो एप्लीकेंट है जिसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है उसको इस इररेगुलरिटी या फ्रॉड की वजह से बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। अगर कोर्ट को ये चीज नहीं मिलती कि किसी भी व्यक्ति को इंजरी हुई है तो फिर कोर्ट उस सेल को सेट असाइड नहीं करेगी। नो एप्लीकेशन टू सेट असाइड अ सेल अंडर दिस रूल शैल बी एंटरटेन्ड अपॉन एनी ग्राउंड व्हिच द एप्लीकेंट कुड हैव टेकन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ विच प्रोक्लेमेशन सेल वॉज ड्रॉन अप, कि अगर कोई भी वो ऐसा ग्राउंड लेके आता है जो कि वो उस प्रोक्लेमेशन को करने से पहले भी ला सकता था और उस वक्त वो उसको लेके नहीं आया तो फिर कोर्ट उस ग्राउंड के ऊपर उस सेल को सेट असाइड नहीं करेगा। द मियर एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट इन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड शैल नॉट बी इटसेल्फ अ ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड अ सेल अंडर दिस रूल, कि सिर्फ कोई डिफेक्ट है जो अटैचमेंट के वक्त है तो उसके अंदर जो अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है तो सिर्फ यही एक ग्राउंड नहीं बन जाएगा जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी सेल होने के बाद उस ऑर्डर को सेट असाइड कराओ। फिर उसके बाद ये हमने रूल 90 देखा, उसके बाद रूल 91 आता है, एप्लीकेशन बाय परचेजर टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ द जजमेंट डेटर हैविंग नो सेलेबल इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, द परचेजर एट एनी सच सेल, की जो परचेजर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मे अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है कि इस सेल को सेट असाइड कर दिया जाए ऑन द ग्राउंड दैट द जजमेंट डेटर हैड नो सेलेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड, की ये जो मेरे को प्रॉपर्टी बेची गई है इस प्रॉपर्टी के अंदर ये जो जजमेंट डेटर है इसका कोई सेलेबल इंटरेस्ट था ही नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरे को गलत प्रॉपर्टी बेची गई है, इसके इसने गलत तरीके से शो किया कि इसके अंदर इसका सेलेबल इंटरेस्ट था लेकिन इसके पास इसके अंदर सेलेबल इंटरेस्ट नहीं था, ये प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकता और इसने मेरे कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो फिर वो जो परचेजर है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि जो आपने सेल का ऑर्डर किया है इसको सेट असाइड कर दीजिए। फिर रूल 92 आता है, सेल वेंट टू बिकम एब्सोल्यूट एज पर सेल वेंट टू बिकम एब्सोल्यूट और भी सेट असाइड, की वह जो सेल है वो कब एब्सोल्यूट बन जाएगी या फिर उसको कब सेट असाइड कर दिया जाएगा। वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर रूल 89, 90 और 91, जहां पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती रूल 89, 90 या 91 के हिसाब से, और वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड एंड डिसअलाउड, या फिर वो एप्लीकेशन लगाई तो जाती है रूल 89, 90 या 91 के हिसाब से लेकिन कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसअलाउड कर देता है, तो द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द सेल एंड देयर अपॉन द सेल बिकम एब्सोल्यूट। अब जो कोर्ट है फिर उसको कह देगा कि अब जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो गई है, मतलब कि जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है अब उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ गया है। फिर प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री पेंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ एनी क्लेम और एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, द कोर्ट शैल नॉट कंफर्म सच सेल अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच क्लेम और ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्लेम पेंडिंग है तो फिर कोर्ट तब तक, जब तक वो क्लेम या फिर जो भी ऑब्जेक्शन है वो फाइनल नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको एब्सोल्यूट नहीं करेगी, उसको डिसाइड नहीं करता कोर्ट। फिर वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड एंड अलाउड एंड वेयर इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर रूल 89 द डिपोजिट रिक्वायर्ड बाय द दैट रूल इज मेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल और इन केस वेयर द अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर रूल 89 इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट ओइंग टू एनी क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द डिपॉजिटर एंड सच डेफिशिएंसी हैज बीन मेड गुड विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द सेल। तो उस केस के अंदर कोर्ट जो है वो सेटिंग असाइड कर देगा, कब करेगा, जब रूल 89 के हिसाब से एप्लीकेशन लगाई गई, जो अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बोला गया था वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया 60 डेज के अंदर, या फिर जो उसके अंदर कोई क्लरिकल या अरिथमेटिकल एरर था वो एरर जो था वो ठीक कर दिया गया,
हैज बीन मेक गुड विद सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, उसको मतलब ठीक कर दिया गया जो भी कोर्ट ने टाइम बताया था उसके अंदर अंदर, तो फिर कोर्ट जो है सेट असाइड का ऑर्डर कर देगी। अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगती रूल 89, 90, 91 के अंदर, या फिर लगती तो है लेकिन वो डिसअलाउड हो जाती है, तो फिर वो जो इंटरेस्ट है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। 89 की एप्लीकेशन लगती है और 60 डेज के अंदर वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाता है, और अगर कोई अरिथमेटिकल या क्लरिकल एरर होता है उसको भी ठीक कर दिया जाता है एक फिक्स पीरियड के अंदर अंदर जो कोर्ट ने डिसाइड किया होता है, तो फिर वो सेट असाइड हो जाती है सेल। Provided that further that the deposit under this sub rule may be made within 60 days in all such cases where the period of 30 days within which the deposit had to be made has not expired before the commencement of this code of civil procedure. फिर बताता है no suit to set aside an order made under this rule shall be brought by any person against whom such order is made. फिर rule sub rule 4 बोलता है where third party challenges the judgment debtor, जहाँ पे कोई third party आके judgment debtor को challenge करती है उस title के regarding जो कि उस property के अंदर है, by filing a suit against the auction purchaser, उस person के against जिसने उस property को खरीदा है auction के अंदर, उसके ऊपर suit file करती है कि जो judgment debtor है उसका इस property के अंदर title का interest नहीं है। The decree holder and the judgment debtor shall be necessary parties to the suit. तो उस केस के अंदर जो decree holder है और जो judgment debtor है वो necessary party बन जाएगी, वो जो third person के ऊपर जो purchaser है उसके ऊपर जो suit हुआ है उसके अंदर decree holder और judgment debtor जो है वो भी necessary party बन जाएंगी। If the suit referred in sub rule 4 is decreed, अब वो जो जो रूल ये जो यहाँ पे हुआ ये जो सूट हुआ अब इसके अंदर डिक्री आ जाती है, द कोर्ट शेल डायरेक्ट द डिक्री टू रिफंड द मनी टू द ऑक्शन परचेजर, तो फिर कोर्ट जो है उसको ये ऑर्डर करेगी कि जो मनी ऑक्शन परचेजर की थी वो उसको वापस की जाए जो कि उसने दी थी उस प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त। एंड वेयर सच एन ऑर्डर इज पास द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन विच द सेल हैड बीन हेल्ड शेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी रिवाइज एट द स्टेज एट विच द सेल वॉज ऑर्डर्ड, तो ये रूल 92 के अंदर बताया गया। फिर रूल 93 देखते हैं, रिटर्न ऑफ परचेज मनी इन सर्टेन केसेस, की जो परचेज मनी होती है वो कुछ कुछ सर्टेन केसेस के अंदर जो परचेजर होता है उसको वापस कर दी जाती है। कब की जाती है? वेयर अ सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी इज सेट असाइड अंडर रूल 92, रूल 92 के हिसाब से अगर वो सेल सेट असाइड हो गई तो फिर जो परचेजर है उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाता है। द परचेजर शैल बी एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट ऑफ हिज परचेज मनी, तो उसको ये ऑर्डर मिलता है कि वो इस ऑर्डर के लिए एंटाइटल्ड होता है कि ऐसा ऑर्डर किया जाए कि जो भी उसने अमाउंट पे किया था वो उसको वापिस मिल जाए विद और विदाउट इंटरेस्ट, चाहे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले या ना मिले, एज द कोर्ट में डायरेक्ट अगेंस्ट एनी पर्सन टू हुम इट हैव बीन पेड, कि जिस भी पर्सन को उसने वो अमाउंट पे किया था अब उससे वो अमाउंट उसको वापिस मिल जाए। फिर रूल 94 बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ परचेज के बारे में, वेयर सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी हैज बिकम एब्सोल्यूट, जहां पे भी वो जो सेल की गई थी इमोवेबल प्रॉपर्टी की वो एब्सोल्यूट हो जाती है, द कोर्ट शैल ग्रांट अ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, तो कोर्ट उस केस के अंदर क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा उस पर्सन को, द प्रॉपर्टी सोल्ड एंड द सेम ऑफ द पर्सन हु एट अ टाइम सेल इज डिक्लेयर टू बी द परचेजर, जिस भी पर्सन को उस सर्टिफिकेट के अंदर वो परचेजर डिक्लेयर करेगा जो भी पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, और कि भाई अब इस पर्सन का इस प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। सच सर्टिफिकेट शैल बियर डेट एंड डे ऑन विच द सेल बिकम एब्सोल्यूट, तो उसके ऊपर डे और डेट लिखी जाएगी जिस भी दिन वो सेल जो है एब्सोल्यूट हुई है, मतलब कि उस प्रॉपर्टी के अंदर जिस भी दिन उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिला है वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर उस डे और डेट को लिखा जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद ये हमने रूल 94 समझा, उसके बाद आते हैं रूल 95 के ऊपर, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ जजमेंट डेटर, कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में है तो उसकी डिलीवरी किस तरीके से होती है, वेयर द इमोवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर, की जो जिस इमोवेबल प्रॉपर्टी को बेचा गया वो जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी के अंदर थी, मतलब पोजेशन के अंदर थी, और ऑफ सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या फिर उसके बिहाफ पे किसी पर्सन के पास पोजेशन के अंदर थी, और ऑफ सम पर्सन क्लेमिंग अंडर टाइटल क्रिएटेड बाय द जजमेंट डेटर सब्सिक्वेंटली टू द अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड अ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ हैज बीन ग्रांटेड अंडर रूल 94, द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द परचेजर, अब जो परचेजर है उसको रूल 94 के हिसाब से सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो अब परचेजर की एप्लीकेशन लगाने के ऊपर कोर्ट के अंदर ऑर्डर डिलीवरी टू बी मेड बाय पुटिंग सच परचेजर और एनी पर्सन हुम ही मे अपॉइंट रिसीव द डिलीवरी इन हिज बिहाफ, तो कोर्ट जो है उस पर्सन को अब ऑर्डर करेगी कि जो परचेजर है जिसको रूल 94 के हिसाब से सर्टिफिकेट मिला उसको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाए, या फिर जिस भी पर्सन को वो ऑथराइज करता है कि उसके बिहाफ पे जिस पर्सन को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाए उस पर्सन को कोर्ट उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलाती है ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इफ नीडेड बाय रिमूविंग एनी पर्सन हु रिफ्यूजेस टू वैकेट द सेम, और अगर कोई व्यक्ति उसको वैकेट करने से मना करता है तो उसको कोर्ट वैकेट भी करवाती है। फिर उसके बाद रूल 96 बोलता है कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट, की अब जो जजमेंट डेटर था उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो किसके पास थी, टेनेंट के पास थी, तो उस केस के अंदर किस तरीके से डिलीवरी करवाई जाती है,
वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट और अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई द सेम एंड अ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर हैज बीन ग्रांटेड इन रूल 94 कि भाई परचेजर को रूल 94 के हिसाब से सर्टिफिकेट मिल गया उसका. द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द परचेजर ऑर्डर डिलीवरी टू बी मेड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ सेल इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस इन द प्रॉपर्टी. तो कोर्ट किस तरीके से डायरेक्शन करेगी कि जो उसका किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उस प्रॉपर्टी के उसके नोटिस को लगा देगी कि ये प्रॉपर्टी जो है इस व्यक्ति की है एंड प्रोक्लेमिंग टू द ऑक्यूपेंट टू बीट द ड्रम और अदर कस्टमरी मोड और बोलेगी कि आप इसको प्रोक्लेम कर दो किस तरीके से ड्रम बीट के या फिर अगर कोई कस्टमरी मेथड है तो उस तरीके से प्रोक्लेम कर दो एट सम कन्वीनियंट प्लेस एंड द इंटरेस्ट इन द जजमेंट लेटर हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर कि भाई ये जो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो जजमेंट लेटर की नहीं रही है अब जो परचेजर है नया इसकी प्रॉपर्टी हो गई है तो उसको इस कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगा दिया जाएगा जिससे कि टेनेंट को पता चल जाए कि अब मेरे को रेंट वगैरह जो भी ये प्रॉपर्टी अब उस जजमेंट लेटर की नहीं रही है उस पर्सन की नहीं रही है अब ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की हो गई है. तो ये हमने सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीख लिया. इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक बचता है रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू डिग्री होल्डर और परचेजर. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे उसके बाद जो हमारा ऑर्डर 21 है कंप्लीट हो जाएगा.